एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम करंट अफेयर की वीडियोस ला रहे हैं। ये आपका पार्ट 11 है, 10 पार्ट हो चुके हैं और उन सभी को देखने के लिए आपको एक बार प्लेलिस्ट में झांकना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने जो 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है गाइस, तो वो की है 60 किलोमीटर। और इवन इसमें मतलब कितने किलोमीटर हम हाईवे बढ़ाएंगे वो सब भी है, ये तो रोपवे के बारे में है, 60 किलोमीटर। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो कुल वृक्षावरण है वह कितना है आपका, 95,748 किलोमीटर। हम जो गलत है उनको पढ़ ही नहीं रहे, इतना समय भी नहीं है हमारे पास, जो सही है सिर्फ वही जाए आप दिमाग में, गलत तो देखना भी नहीं है। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के जो सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य घोषित किया है वो आपके 2025 तक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है, वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, इन्होंने लॉन्च की है तो कौन है, नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स एन अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया, तो ये नाटो के जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने मिलकर किया कोल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नीवा NEVA, ठीक है, नी इसमें स्मॉल है, तो किसने शुरू किया है, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है, नागालैंड। और पूरी तरह से पेपरलेस बनाने वाला इंडिया में केरल, और विश्व में बात कर लें तो दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2022 का दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिते 2022 का आयोजन किया गया, तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। ठीक है, लेमिते LAMITAYE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 पर आते हैं, हाल ही में पालक जल डमरू मध्य तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक आपकी जिया राय बन गई हैं, और ये गाइस कहाँ पे है आपका, भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक है तो इसका मतलब गुजरात और उसके मध्य मध्य समझ लीजिएगा पाकिस्तान के। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण से। और इन्हीं के नाम पर जो मैनपुरी में एक नवोदय विद्यालय है उसका नाम, सॉरी छात्रावास है उसका नाम जो है, सॉरी सैनिक स्कूल है, मैनपुरी में सैनिक स्कूल है वो इन्हीं के नाम पे रखने का फैसला किया गया है, जनरल बिपिन रावत के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रिट्जिकर पुरस्कार 2022 जीतने वाली जो पहली अफ्रीकी हैं वो कौन बनी है, फ्रांसीसी के प्रिट्जिकर पुरस्कार या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, फ्रांसीसी केरे। ठीक है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता है, तो गाइस वो है आपके हैदराबाद FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2 दिसंबर से 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसके बारे में जो कथन दिए वो बताने हमें, इसमें इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और इस सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान मिला है। ठीक है, 37वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही सही हैं आपके, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का जो सबसे ऊँचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ऊंचाई में कितना, 141 मीटर। ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे है गाइस, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, बैडमिंटन मुझे काफ़ी पसंद है, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो वो आपके इंडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, 16 क्वेश्चन हो गए, 17 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा किसे स्थायी CEO नियुक्त किया गया है, तो जो एलआरडीस को नियुक्त किया गया है। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है आपके, समीर सोनी जी। और यहीं पे अगर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो जाता तो वहाँ महात्मा गांधी जी हो जाते, अभी ये साइलेंस है तो साइलेंस से स से साइलेंस स से समीर ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, आपका जैसा भी मन हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो बेंगलुरु में ऐसा हुआ था गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई बेंगलुरु में शुरू की गई है। निम्न में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया? तो इसमें आपके श्रीनगर को शामिल किया गया है। किस में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में धसान नदी है, उस पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी हो गया। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका सुगम्य भारत ऐप। ठीक है, सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स किनका? दिव्यांगजनों का। इनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस ऐप का सुगम्य भारत ऐप। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने जा रहा है? तो वो है आपका स्वीडन ग्रीन स्टील का निर्माण करने जा रहा है। होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 18वां। ड्रग बनाने में तो वैसे ही माहिर है, ड्रग मीन्स दवाइयाँ हैं, यहाँ पे ड्रग्स में मत चले जाइएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए जॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इसराइल। ठीक है, इसी से संबंधित है कि काफ़ी सारे गाँव को स्मार्ट गाँव बनाने की भी हमने इसराइल से ही सहायता ली है। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एट एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक आपके लेखक हैं शंकर आचार्य जी। ठीक है, शंकर आचार्य जी, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो वो है आपका शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो वो है रशिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन अमेरिका की साउथ डकोटा में किया गया था। ठीक है, और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते? 3 रजत पदक जीते। ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कुनेरू हम्पी को। किसे? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 कुनेरू हम्पी। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपका धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सोमा मंडल को सेल महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसे ये भी आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का हो गया। फिर है, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 36 पर, मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, इंडिया और कोरियन का फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो गाइज़ ये आपके कोलकाता में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, कोलकाता में विजय संस्कृति महोत्सव किसकी? भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? तो वह द ग्रेट खली को WWE द्वारा भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा? तो सूरत में भारत का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्च 2021 को पीएम मोदी जी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। किसका? मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। और आपका इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो इसमें आपका डेनमार्क जो है सहयोगी देश रहा, मैरीटाइम इंडिया समिट डेनमार्क सहयोगी देश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का
उद्घाटन किया गया है तो आपके लद्दाख में किया गया है, वहाँ अभी तक एक भी सिनेमा हॉल नहीं था। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर आपके कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि US में रहते हैं। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल जो है कह किस नदी पर है? तो गाइज ये इसका आंसर है फेनी नदी, ये आपकी ज्योग्राफी में भी काउंट होगा, ठीक है। क्या है मैत्री सेतु पुल, कहाँ किस नदी पर? फेनी नदी पर, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? पहला कथन है कि इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में किया गया। फिर है आपका एशियाई श्रेणी ईभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया, ईभा को, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा और एशियाई श्रेणी ईभा को इसका जो है आधिकारिक शुभंकर घोषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, 44 हो गया आपका सॉरी। किस देश की पर्वतारोही त्यांग यिन हंग ने दुनिया के सबसे तेज़ एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो गाइज ये आपकी हांगकांग की है, ठीक है। त्यांग यिन हंग ने दुनिया के सबसे तेज़ एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, हांगकांग की है ये आपकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण घोषित किया गया। तो जो काजू वैली है यानी आपके काजू कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है, ठीक है। काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण किसने घोषित किया है? और तमिलनाडु को वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट है केरल में ट्यूवर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साजी NM को भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनको क्या कहते हैं? ट्यूबर मैन भी कहते हैं और ये कहाँ के हैं? केरल के, साजी NM। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो श्री सैनी है, ठीक है। भारतीय अमेरिकी महिला यानी मूल इनका भारत का है, रह रही है अमेरिका में। तो मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 कौन है? श्री सैनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्लीज हाँ नोटेड, ये नहीं है पूछ रहा है नहीं। यहाँ पे लोग बस कथन सही है पर चले जाते हैं। इस सूचकांक में जो कोपेनहेगन है उसको प्रथम स्थान मिला था, सही बात है, लेकिन दिल्ली को 50वां स्थान नहीं मिला था, ये आपका गलत है। केवल दो ही सही है, दो ही गलत है, बाकी सही है पहला वाला कि कोपेनहेगन को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो किस देश का था वो? ताइवान का था, ठीक है। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? मतलब काफ़ी दिनों तक ये चर्चा में रहा था जहाज, तो आपने काफ़ी सारी इमेजेस भी देखी होंगी तो ये आपको याद हो गया होगा, नहीं भी हो गया हो तो आप कर लीजिए, कहाँ देर हुई है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। अभी सिर्फ 3-4 ही दिन रह गए और आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, पक्का आप सभी का होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।